नमस्कार दोस्तों, आज है 17 सितंबर और आज मैं आपको लोटस की जो सीडलिंग्स तैयार हुई थी उनको रिपोर्ट करना बताऊंगी और बिल्कुल अपडेट के साथ। ये देखिए, ये मैंने रिपोर्ट किया हुआ है, इसको हुए हो गए हैं कम से कम 17, मतलब 1 सितंबर को ही मैंने इसको रिपोर्ट किया था, तो आज सीधे सीधे 17 दिन हो गए हैं और ये कुछ इस तरीके से इसका रिजल्ट है। तो एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि जब मैंने रिपोर्ट किया था तो ये वाला जो आप टब देख रहे हैं ना, इसमें नहीं किया था, दूसरे वाले में किया था, पानी मतलब दूसरे में भरा था। और ये वाला तो वही है, अभी पूरा आप वीडियो में देख लेंगे किस तरीके से मैंने रिपोर्ट किया है। तो ये हो गया 17 डेज का रिजल्ट हो गया। और इसके पहले जो है मैंने किस तरीके से सीड्स को जर्मिनेट किया वो पार्ट वन में मैंने बनाया है, आप उसको उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो पार्ट सेकंड है, किस तरीके से मैंने रिपोर्ट इसको इसमें रिपोर्ट किया है। और चूंकि मैंने पानी इसलिए भी बदला, पूरा बदल दिया था, वीक वीक में मैं मतलब 5 से 6 दिन में मैं पानी चेंज कर रही थी, तो हो कह रहा था वो बहुत बड़ा सा टब था, उसमें पानी भी फिर मुझे चेंज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और इसमें मैं मछलियाँ जो है फिशेस मैं नहीं डालूंगी, मैं आपको एक बताऊंगी एक सॉल्यूशन, मतलब एक पेस्टिसाइड है, ऑर्गेनिक है, वो आपको मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने अभी उसको डाला है, अभी कुछ दिन हुआ है, वो एकदम से असर नहीं करता है, तो मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए। मैं पहली बार मैंने उसको यूज़ किया है, ऑर्गेनिक है और ऑनलाइन मंगवाया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक बार मुझे पता चल जाए फिर मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूंगी, ठीक है। तो पानी का जैसे मैं बदल रही थी तो मैं इस तरीके से ऐसे हल्का सा ऐसे टेढ़ा कर दिया और यूँ बदल रही थी जिससे कि मच्छरों के जो मॉस्किटोज के जो लार्वा है ना वो बनने नहीं पाए, ऐसे करके। अभी तो मैं अब खैर वीडियो बना रही हूँ, मैं इस पानी को वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं इस पानी को अपने और पॉट्स में डाल देती हूँ, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगी, ये देखिए लोटस के सीड्स हैं, इनको हम किस तरीके से मिट्टी में लगाएं, कैसे, ये देखिए, और इसको कैसे जर्मिनेट किया है, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें रूट बन चुकी है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये सारे लोटस के सब सीड्स हैं। और ये वाला देखिए, मैंने ना क्या किया था कि इसको 3-4 दिन पहले ही इसको रिपोर्ट किया, छोटे से पॉट में किया था, जिससे मुझे लगा कि थोड़ा सा ही अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और तो चलिए अब मैं इस सबको रिपोर्ट करती हूँ, मिट्टी में लगाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ लोकेशन के लिए बताऊँ कि देखिए सितंबर का ये मंथ शुरू हो गया है और जैसे कि सितंबर है तो अब हमारे यहाँ पे टेम्परेचर 30 के आसपास है, तो इस समय जो है इतनी हीट नहीं है। तो अब यहाँ की जो लोकेशन मैं रख रही हूँ यहाँ पर, ये कम से कम यहाँ पे 7-8 घंटे की धूप आराम से आएगी, खूब अच्छे से आएगी धूप यहाँ पर। और अगर यही गर्मियों का टाइम होता या मार्च में मैं इस तरह से लगा रही होती तो मैं इतनी पूरी धूप में इसको नहीं रखती, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप में क्या होगा। ये सारे पत्ते ना अभी जैसे बहुत छोटे हैं, अभी क्योंकि हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो ये बर्न हो सकते थे, लेकिन अभी जैसे कि मैंने बताया अब टेम्परेचर इतना 30 के आसपास चल रहा है तो अब यहाँ पे मैं रख रही हूँ और इसमें मैं रिपोर्ट करूँगी, मतलब लगाऊँगी। तो इसमें मैं लेने वाली हूँ, ये देखिए, हमको वैसे तो तालाब की जो मिट्टी होती है ना बिल्कुल चिकनी मिट्टी वो बहुत अच्छी होती है, पर मेरे पास नहीं है तो मैंने क्या किया है, मैंने गार्डन सॉइल ले लिया है, उसमें से जितने भी कोई भी कंकड़ पत्थर है वो सब हटा दिए, अच्छे तरीके से इसको छान लिया है और इसमें मैं 30% खाद मिक्स करूँगी। तो 70% हमारी मिट्टी होगी और 30% मैं इसमें खाद मिक्स करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, कोई भी आप देखिएगा कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं हो, पत्थर जैसी कोई चीज़ नहीं हो, नहीं तो इसके जो रूट्स हैं ना राइजोम में एक्चुअली बनते हैं, तो राइजोम बहुत सॉफ्ट होते हैं तो वो ख़राब हो सकते हैं, इसलिए एकदम मिट्टी बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए, जैसे हम अपने और प्लांट्स लगाते हैं और बोलते हैं कि वेलरिन मिट्टी चाहिए, बस इसमें यही है, इसमें हमको कोई वेलरिन मिट्टी नहीं चाहिए, वेलरिन पॉट नहीं चाहिए। तो इसमें बस चलिए मैं भरती हूँ। ये देखिए मेरे पास ना
थोड़ी सी चिकनी मिट्टी थी, और ये मिट्टी मैंने कब की है मैं आपको बताऊँ, मैंने कोई पॉट कोई प्लांट को रिपोर्ट किया था, उसमें बहुत रूट बॉल के पास ना चिकनी मिट्टी थी, तो मैंने फिर ये देखिए इस तरह से ये मिट्टी अच्छी है लोटस के लिए, तो इसमें मैं लगाऊंगी। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको थोड़ा सा गीला करती हूँ। ये देखिए मैंने सबको अच्छे से खाद को और मिट्टी को बहुत अच्छे से मिक्स किया है, कर दिया है। अब थोड़ा सा इसको गीला करती हूँ, फिर इसमें मैं इस सीड्स को लगा दूँगी। आइए अब मैं इसको लगाती हूँ इसमें। ये देखिए ये है, कितनी अच्छी रूट बन गई है, नहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब इसके अंदर मैं तीन ही लगाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं सीड लगाऊंगी। तीन भी तो मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, पर क्या करूँ, सारे सीड हो गए हैं। इसको लगाऊंगी, इसको ऐसे इस तरह से करके, ठीक है, और ये देखिए इसको इस तरह से लगा दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको ये वाला देखिए आप, मैंने अभी इसको लगाया था दो तीन दिन पहले, तो ये मिट्टी इसकी सब सेट हो गई है, यहाँ दब गई है, और इसको जैसे कि ना रूट थोड़ा सा ये हिले डुले नहीं, थोड़ा सा एक इसको ऐसे करके यहाँ पे हम सहारा दे देंगे, क्योंकि अभी जब हम पानी भरेंगे इसमें तो फिर इधर उधर हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको एक इस तरह से हल्के से, बहुत ज़्यादा नहीं, और बाद में हटा दूँगी, क्योंकि हटाना ज़रूरी होगा। ये देखिए, क्योंकि फिर ये इस तरह से ना यहीं से इसके नए नए पत्ते और एरियल लीफ में ही फूल निकलता है, तो उसको ऐसे मैं पूरा करती हूँ, यहाँ पे रखती हूँ। इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पानी भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा और मच्छर वच्छर का भी थोड़ा सा वो नहीं रहेगा, थोड़ा सा हम इसके ऊपर से यूं इस तरह से करके बालू डाल सकते हैं, जैसे पानी गंदा नहीं होगा, और जब हमको ये एक वीक में इसके पानी को साफ़ करना होगा इसके जो ये पॉट है, क्योंकि मैं इसमें मछली नहीं डालने वाली, मैं इसमें फ़िश नहीं डालूँगी, तो जब हम फिश नहीं डालेंगे तो हमें मच्छरों का भी थोड़ा सा ये है ना कि, तो इसलिए हमें इसको सफाई करनी पड़ेगी। तो जब हम इस तरह से एक बालू को यहाँ पर डाल देंगे ना, तो ये बार बार ये उठेगा नहीं इधर उधर। अभी तो आपको बहुत गंदा बंदा लग रहा होगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसमें ऐसे रहता ही है। मुझे लोटस का बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत मुझे है कि मेरे घर में ज़रूर लोटस एक बार तो मैं अपने घर में मेरे खिल जाए, मुझे बहुत इच्छा है मेरी, तो मैं चलिए ठीक है इतना कर दिया। अब इधर हम धीरे धीरे से इधर साइड से पानी डालेंगे, इस तरह से धीरे से किनारे से डाल रही हूँ मैं, क्योंकि अगर उसके ऊपर हम डालेंगे ना, क्योंकि अभी तो पत्ते भी बहुत छोटे हैं, तो सारे सब फिर पूरा सब गंदा हो जाएगा। धीरे करके मैं भरती हूँ, ये देखिए इस तरह से मैंने पानी भर दिया है, और अभी पूरा नहीं भरा है, देखिए थोड़ा ही भरा है, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है, अभी छोटे छोटे पत्ते ही बहुत छोटे छोटे से हैं। ठीक, चलिए मिलती हूँ मैं आपसे इसके आगे अपडेट के साथ। तो मैंने आपको देखिए अपडेट इतना दे दिया है, अब इसके बाद अभी तक मैंने खैर इसमें कोई भी फर्टिलाइजर दिया नहीं है, अभी पत्ते थोड़े छोटे ही हैं, जैसा भी आगे का अपडेट होगा वो मैं आपको देती रहूँगी। और चलिए आपको मैं चलते चलते अपने कुछ और सुंदर सुंदर से फ्लावर्स दिखाता हूँ। ये देखिए खूब सारे गुलमेहंदी खिल रहे हैं, बहुत बढ़िया, और सारे ही फूल बहुत सारे खिल रहे हैं इस टाइम में। बोगनविलिया भी मेरा खूब 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 खिल रहा है। चलिए ठीक है, अब मैं आपसे मिलूंगी जल्दी ही, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ठीक लगा हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए कितने बढ़िया से अलमंडा की पानी, खूब बहुत अच्छी है ये वाली, मानसून के लिए तो ये बेस्ट रहती है। ये देखिए कितनी अच्छी खिल रही है, खूब सारे फूल खिले। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।